हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आए हैं बीवर क्रीक पे, जो एक कंजर्वेशन एरिया है। तो देखते हैं आगे, यहाँ पे कई सारी ट्रेल्स है और शायद हमें बीवर भी देखने को मिल जाए। थ्री सिक्सटी डिग्री का व्यू देखिए, पूरा ग्रासलैंड ही है यहाँ पर और बाकी जो कुछ है वहाँ पर क्रीक एरिया है। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं वो है बीवर क्रीक और वहाँ पे रहते हैं बीवर। तो चलिए हम भी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि बीवर का घर कैसा होता है यहाँ पे। ये है बीवर क्रीक और ये बीवरों का घर। और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जो थोड़ा गहरा पानी है वहाँ से बीवर नीचे से होते हुए उसके घर में वहाँ पर रहते हैं। और ये जब नदी पूरे फोर्स में जाती है तब भी वो लोग इसको यहाँ पर लकड़ियों का नेटवर्क बनाकर वो अपना घर यहाँ पर बना लेते हैं और उस वजह से वो काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। और रास्ता थोड़ा कठिन था लेकिन हम लोगों ने ये पार कर लिया आपको दिखाने के लिए, और हमें भी देखना था। यहाँ पर कोई रास्ता एक्चुअली है ही नहीं, यही नहीं। और जो बीवर होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। कितनी बड़ी जो लकड़ी है ये भी ये लोग काट कर लेकर आते हैं, क्योंकि बीवर है वो दिखने में रेड जैसा ही होता है और उनके दांत भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और साइड में तो आप देख ही पाओगे कि अभी भी स्नो पिघल ही रही है। और जब यहाँ पर जब विंटर का टाइम आता है तब यहाँ पर पूरी की पूरी स्नो ये क्रीक को ऐसे फुल कर देती है। अभी तो यहाँ पर कोई बीवर दिख नहीं रहा है और जनरली और जब इनके लिए सर्वाइव करने का डिफ़िकल्ट होता है तब ये रिवर में चले जाते हैं और वहाँ पर कहीं पर रहते होंगे। और यहाँ पर जो बहते पानी की आवाज़ है ये काफ़ी सूदिंग आवाज़ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये पूरी यहाँ पर जो क्रीक का एरिया है और वहाँ पर जो छोटी छोटी क्रीक जो नाली बनी है वो नाली जाती है साउथ सस्केचवान रिवर में, वहाँ पर आपको ले जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर व्यू कैसा है। अभी तक यहाँ पर जो व्यू है वो काफ़ी अमेजिंग है और अभी टेम्परेचर थोड़ा 15 डिग्री के आसपास है तो थोड़ी ठंड लग रही है। और वैसे भी आज बारिश वाला क्लाउडी वेदर है तो थोड़ी बारिश भी हो रही है अभी, तो वेदर काफ़ी चिलिंग है उस टाइप का बोल सकते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ है वो काफ़ी पुरानी है और पूरी लकड़ी की बनी हुई है जो आपको एंटिक आपके वो फील देती है, बिल्कुल ही उस टाइप की सीढ़ियाँ है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर जो क्रीक है अभी भी उसकी साइड एज है, वहाँ पर स्नो जमी हुई है, अभी भी आइस मेल्ट नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा स्नोफॉल या बर्फबारी हुई है जो क्रीक से अप्रोक्सीमेट 5 या 6 फीट तक ऊपर तक जमी हुई है। अभी तक व्यू है, ये अभी स्प्रिंग का टाइम है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब यहाँ पर समर आ जाएगा तो उसके बाद ये जो सारा व्यू है वो पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा।
हो, अभी मैं इस ट्रेल से वहाँ पर जो साउथ सास्केचवान रिवर है वहाँ पर जा रहा हूँ, और यहाँ पर साइड में जो वाइल्ड रोज़ है, वाइल्ड रोज़ के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, ये नेचुरली अपने आप ही यहाँ पर ग्रो होते रहते हैं। तो चलो यहाँ पर इस छोटी सी ट्रेल से, पगडंडी से चलकर जाते हैं बीवर क्रीक में, शायद कोई बीवर देखने को मिल जाए हमें। यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग व्यू है, क्योंकि यहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट हो रही है और उसे यहाँ पर जो पानी बह रहा है। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, ये जो क्रीक है, यहाँ पर केनोइंग करने के लिए आते हैं, केनोइंग या फिर कयाकिंग, तो उसके लिए यहाँ पर एक केबिन शेड बना हुआ है जो कि अभी कोविड की वजह से बंद है। और वहाँ पर जो जंगल है वो काफ़ी अच्छा और ग्रीन है, ये जो और जंगल है ये अभी ग्रीन नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस पहाड़ी पे आया हूँ, और यहाँ पर वो जो आप देख सकते हैं वो बीवर ने बनाया हुआ ब्रिज है। जो बीवर एक तरह का रेड टाइप का एनिमल होता है, उसका एक और भी एक वीडियो पड़ा है जो भी आप इसमें साथ में देख पाएंगे। तो वो जो एनिमल होता है वो नदी में या फिर ऐसी जो क्रीक होती है वहाँ पर रहता है, और ऐसी क्रीक में वो लोग ऐसी लकड़ियाँ ले आकर वो अपना ऐसा पूरा ब्रिज जैसा घर बनाते हैं, जिसको काफ़ी सारे जो नेशनल ज्योग्राफिक या फिर डिस्कवरी में भी उसको काफ़ी अच्छे से दिखाया जाता है। आप गूगल करेंगे तो भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से मिल पाएगी, और व्यू है वो तो नो डाउट काफ़ी अमेजिंग है। लेकिन यहाँ पर एज़ यूज़ुअल जो सास्केचवान में होता है, यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, और मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से ट्रेल नीचे जाती है, लेकिन ये ट्रेल अभी क्लोज की हुई है क्योंकि ये काफ़ी स्टीप है, और इनमें से काफ़ी सारे जो ऐसे प्लांट्स हैं ये वाइल्ड रोज़ के भी है। यहाँ पर कौन सा वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिल जाएगा ये यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर छोटी सी ट्रेल को क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं। और ये पूरा सैंडी एरिया है, और दोस्तों ये जो ट्रेल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ है रास्ते में, और ये काफ़ी स्टीप स्लोप है तो संभल कर चलना पड़ रहा है। और यहाँ पर कनाडा में स्पेसिफिकली सास्केचवान में लोग 7 से 8 महीने स्नो में रहते हैं, तो इसी जगह जब स्प्रिंग में या फिर समर में देखने को मिलती है तो ऑब्वियसली बात है कि लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर साउथ सास्केचवान रिवर आ चुकी है, और ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया है। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं अभी जो कि यहाँ पर ट्रैक करने के लिए चल रहे हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर वीकेंड में, सैटरडे संडे में आते हैं, अपने फ्रेंड्स या फैमिली, अपने किड्स के साथ आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एडवेंचरस यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा है। और उसके साथ आप हाफ डे के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको नेचर भी अच्छे से एंजॉय हो जाएगा। अगर सनी डे है तब तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर विंडी है तब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत मज़ा आता है क्योंकि नेचर वाली जगह है,
तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और कनाडा की लाइफ के बारे में बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैंने मेरी चैनल के ऊपर पोस्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।